नमस्कार। जब आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा हो, गोल्डन पीरियड यानी पैसे से आप आनंद में हो, अपने बच्चों से लेकर आनंद में हो, अपने करियर को लेकर आनंद में हो, अपनी फैमिली को लेकर आनंद में हो, समाज को लेकर आनंद में हो, हर तरह से आपका समय बहुत ही टॉप चल रहा हो, आपको चारों तरफ ऐसे लग रहा हो कि मैं राजा हूं, हर तरफ आपका समय आपके अनुकूल हो, जब आपका गोल्डन पीरियड चल रहा हो ना, तब ये बातें आप ध्यान रखना। ये पांच बातें आप जरूर याद रखना, ध्यान रखना। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा है, गलतियां हमेशा अच्छे समय में होती है, बुरे समय में कभी गलतियां नहीं होती है। बुरे समय में तो इंसान फूंक फूंक कर कदम रखता है, उसे पता है यार मैं ये गलती नहीं कर दूं, मैं ये गलती नहीं कर दूं। गलतियां कब होती है? जब इंसान आनंद में होता है, जब इंसान खुशी में होता है, उसे पता ही होता है वो गलती कर रहा है। और वो गलती उसको तब कब रियलाइज होती है? जब वो दुख में होता है, जब उसे दुखों का पहाड़ पड़ता है, तब वो कहता है कि यार मैं सुख में था उस वक्त, ये गलती नहीं करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो आप ये बातें जरूर ध्यान रखना, जब आपको अच्छा समय चल रहा हो ना, तो ये पांच गलतियां आप कभी मत करना, वरना आने वाले समय में आपको दुखों का पहाड़ भी पड़ सकता है और आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती सुख के समय करता है, आनंद के समय करता है। और वो कौन सी बातें हैं जो आपको अपने सुख में याद रखनी होगी, आपके अपने गोल्डन पीरियड में याद रखनी होगी, तो आप अपनी लाइफ सही तरीके से कर पाओ। नंबर वन, अच्छे समय में किसी से कोई वादा ना करें। आपको अच्छा समय चल रहा है, आपको लग रहा है मेरा आगे भी अच्छा होगा, और आपने किसी को वादा कर दिया कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। और ध्यान रखना, जब आपका समय खराब आया तो आप सामने वाले के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, और आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि आपने तो उससे वादा किया था। खुशी में, आनंद में किसी को कोई वचन मत देना। किसी को वादा करो तो उसके पीछे सोच समझ कर वादा करना कि क्या मैं किसी भी कंडीशन में होऊंगा तो उसका वादा पूरा कर पाऊंगा या नहीं। राजा दशरथ ने खुशी में, आनंद में कैकेयी को वचन दिया था, बताया बिना सोचे समझे कि मांग लेना दो वर जब भी, जब तुम्हारा जी चाहे। राजा दशरथ ने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। और जब वो सुख में होते हैं तब वचन दे देते हैं, लेकिन जब वो वचन मांगते हैं कैकेयी, तब क्या होता है? इसीलिए आनंद में किसी को वचन मत देना, उसके पहले सोचना समझना कि मैं किसको वचन दे रहा हूं और क्या मैं उस वचन को पूरा कर पाऊंगा। अपनी प्रेजेंट की स्थितियों को देखकर वचन दोगे, और फिर आपकी स्थिति अगर मुश्किल में हुई, संकट में हुई, तो आप वचन कैसे निभाओगे? नहीं निभा पाओगे। सेकंड, जब अच्छा समय चल रहा हो तो कर्जे उतार देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब अच्छा समय चल रहा हो, पैसे भी पड़े हो बैंक बैलेंस में, हर जगह पैसे पड़े हो, लेकिन क्या करते हैं, कर्जे चल रहे चल रहे। कोई बात नहीं यार, किस्तें तो चलती होगी, आगे भी भर देंगे। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोविड आया। कोविड में वही इंसान सुखी था जिसके सर पर कोई कर्जा नहीं था, वही इंसान सुखी था। 3 महीने तक घर पर बैठा रहना था, लेकिन फिर भी ईएमआई चलती रही, किस्त नहीं रुकी, घर की, कार की, बच्चों की एजुकेशन फीस की, सब आपकी ईएमआई चलती रही, किस्त नहीं रुकी। अगर आप अच्छे समय अपने घर की किस्त चुका देते, अपने कार की किस्त चुका देते, तो क्या कोविड में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता? जब भी अच्छा समय चले, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट आए, तो सबसे पहले कर्जे चुका देना। ये नहीं कि यार अभी बहुत सारा पेमेंट पड़ा, आगे चुका देंगे यार, बहुत सारे पैसे हैं, कल कभी भी चुका देंगे। नहीं, समय कभी कहकर नहीं आता है। क्या पता आपकी कोई व्यवस्था ना हो, प्राकृतिक कारण हो, नेचुरल रीजन हो, जैसे कोविड आया, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोविड आया और आपको मुश्किलों में डाल के गया, तो ऐसा समय कभी भी आ सकता है। तो गोल्डन पीरियड में अपने कर्जे उतार देना, कर्जे को लंबे लंबे मत चलाना। थर्ड, पैसों का हिसाब किताब सही रखना। बहुत से जने क्या करते हैं, जब अच्छा समय चल रहा होता है, क्या है, पैसे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कहीं पता ही नहीं पड़ रहा, अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो ला रहे हैं, मकान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, पैसों का हिसाब किताब नहीं रखते। और जब स्थिति विपरीत आती है,
तब क्या हो, तब पता पड़ता है, अरे यार मैंने वहां वो खर्चे नहीं किए होते तो अच्छे रहते यार, मैंने वहां पर वो नहीं किए होते अच्छे रहते। अनिल अंबानी, एक समय था कि वो अपने बड़े भाई से भी आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने पैसों का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया और क्या हुआ, आखिर उनको बिजनेस पर नुकसान उठाना पड़ा। तो जब वो अच्छा समय चल रहा था तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना, जब जीवन का गोल्डन पीरियड चल रहा हो तब पैसों का हिसाब किताब जरूर रखना। ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं वहां जा रहे हैं, आप हिसाब किताब ही नहीं रख रहे हो, कहीं से आप उधार ले रहे हो, किसी को क्या दे रहे हो, लेकिन जब समय कभी भी पलट सकता है, और जब समय पलटा तो आपकी स्थिति विकट हुई, आपको लॉस हुआ, उस वक्त आपको याद आएगा यार मैं पैसों का हिसाब किताब सही रखता तो आज मुझे नौबत नहीं देखनी पड़ती। फोर्थ, हर किसी की मदद करना। जब आपका अच्छा समय चल रहा हो ना तो हर किसी की मदद करना, गरीब की मदद करना, अपने दोस्त की मदद करना, अपनी फैमिली में किसी की मदद करना, समाज के लोगों की मदद करना, अपने दोस्तों की मदद करना, मदद करना, मदद करना, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो। ध्यान रखना, समय कभी अच्छा नहीं रहता है, और अगर मान लो आपका समय खराब हुआ तो वही जिसको आप लोगों को मदद कर रहे हो वही लोग बहुत सारे, ठीक है सारे जने आपकी मदद नहीं करेंगे लेकिन कुछ तो लोग आपकी वापस मदद करेंगे। इसलिए जब भी अच्छा समय चले, गोल्डन पीरियड चले, तो लोगों की मदद करना, लोगों की दुआएं लेना। ये दुआएं आपको संकट में काम आएगी, जब आपके संकट पड़ेगा, जब आपकी मुसीबत आएगी, जब आप विपत्ति में होंगे तो यही दुआएं आपके काम आएगी। गोल्डन पीरियड में लाइफ में तो यही आपको ध्यान रखना होगा। फिफ्थ, अहंकार, घमंड, एरोगेंस कभी मत करना। लोग क्या करते हैं, जब अच्छा समय चल रहा होता है ना तो घमंड में आ जाते हैं, ओ मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, समाज में शोहरत है, इज्जत है, अपने आप को घमंड से फूला नहीं समाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समय कभी एक जैसा नहीं होता है। आज सब कुछ है आपके पास, कभी भी आप जीरो हो सकते हो, कभी भी आपका समय डाउन आ सकता है, और जब आप घमंड में रहोगे, जब समय आपका डाउन आएगा, यही घमंड आपका चकनाचूर हो जाएगा। और जब आपकी स्थिति विपरीत होगी, जब आप संकट में होंगे, तब आपको अपनी आंखें नीची करनी होगी आपके घमंड के कारण। जब भी अच्छा समय चले, जब भी आपकी लाइफ में अच्छा समय हो, घमंड कभी मत करना, शालीनता से, विनम्रता से रहना, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि लाइफ में जब भी कभी गोल्डन समय चल रहा हो तो यह पांच गलतियां कभी मत करना।